बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, नाउ गाइस, दिस इवनिंग आई हैव मेड 3 न्यू वीडियोस फॉर यू रिलेटिंग टू फिजिक्स। यस्टरडे गाइस, इफ यू रिमेंबर, आई हैड डिस्कस दैट आई विल मेक न्यू वीडियोस फॉर फिजिक्स। इंशाल्लाह टुमारो आई विल मेक फ्यू वीडियोस फॉर मैथ्स। ठीक है, नाउ गाइस, द टॉपिक फॉर टुडे दैट आई हैव डिस्कस्ड इज ब्रेकिंग एंड स्किडिंग and then centripetal force and then centrifugal force and then one numerical example and one numerical. Now guys, in this topic only you have to make your concepts clear. There is no need to learn these things. Basically in this topic just only you have to make your concepts clear, okay? Starting from breaking and skidding. ये जो ब्रेक लगाने के बाद आपकी गाड़ी स्लिप कर जाती है ना, तो उसको बेसिकली इन इंग्लिश वी यूज द वर्ड स्किडिंग। व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस स्किडिंग? सपोज गर्ल्स, इफ वी कंसीडर अ रोड सरफेस एंड अ व्हील इज बेसिकली रोलिंग एंड रोटेटिंग ऑन द सरफेस ऑफ दिस रोड। नाउ वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट हेयर to understand and starting to move our vehicle on the road as well as to stop our moving vehicle, friction is required. Now girls, mind it, whenever a body starts rolling on any surface, so friction is necessary. If there is less friction or there is no friction, then it means that body will not rotate properly, that body will slip. अगर वहाँ फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रही ना, तो इसका मतलब बॉडी वहाँ पर, टायर आपका स्लिप हो जाएगा और वो स्लिप होने के साथ साथ वो टायर आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। इज इट क्लियर? सो इट मींस व्हेन यू वांट टू रोटेट एन एनी ऑब्जेक्ट, एनी व्हील सपोज, सो इट मींस यू नीड सम फ्रिक्शन। Similarly, let's suppose if one car is moving and if, let's suppose you want to stop, so for stop even you need friction, right? If there is less friction or very least friction, then it means that there will be a much difficulty for stopping that object which is basically rotating or rolling on the surface. Is it clear? Next one is to move our vehicle, if enough friction is not available, then wheel start slipping. यानी जब आपको कोई वहीकल मूव कर रही है, उसका टायर मूव कर रहा है और जो रिक्वायर्ड enough friction है अगर वो अवेलेबल नहीं है, तो then it means you can say now the wheel starts slipping. Wheel आपका slip होना शुरू हो जाएगा because friction is less. Is it? Similarly, to stop a vehicle, enough friction is required. अगर आपने उस rotating friction को, wheel को, अगर आपने stop करना है, तो even then you need friction. Is it? But there is a limit to this force of that tires can provide. अब अगर कोई wheel move कर रहा है, तो आपने उसे stop करना है, तो जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है वो उसकी अपनी पर्टिकुलर लिमिट है। इफ द ब्रेक्स आर अप्लाइड टू स्ट्रांगली, द व्हील्स ऑफ द कार विल लॉक अप, स्टॉप टर्निंग एंड द कार विल स्किड ड्यू टू इट्स लार्ज इनर्शिया। अब सपोज करें कि एक कार बहुत स्पीड से जा रही है और ड्राइवर जो है, ड्यू टू सम सर्टेन रीजन, इफ ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक्स टू स्ट्रांग, बहुत ज्यादा जोर से वो ब्रेक अप्लाई करता है, उससे क्या होगा, टायर जो है वो आपका एकदम से लॉकअप हो जाएगा, वो टर्निंग स्टॉप कर देगा। जैसे स्टॉप करेगा, अब चूंकि उसकी स्पीड ज्यादा थी, सो हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा है कि बेसिकली देर इज अ प्रॉपर्टी विच इज नोन एज इनर्शिया, एंड इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मैस एज वेल एज वेलोसिटी। व्हेन अ कार इज कमिंग फ्रॉम अ डायरेक्शन एंड स्पीड इज वेरी मच हाई, सो इट मीन्स इनर्शिया इज वेरी मच हाई। वहां भी मैंने आपको बताया था कि इनर्शिया आपके मास के साथ साथ वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है, मगर बुक में उन्होंने वेलोसिटी का जिक्र नहीं किया। ओके, सो रीजन, बेसिक रीजन इज इनर्शिया ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन
वेलोसिटी। जब वेलोसिटी कार की बहुत तेज़ है, आप ब्रेक अप्लाई करते हैं, वो टायर आपका लॉकअप हो जाता है और ड्यू टू इनर्शिया आपकी कार स्लिप होती है एकदम से, इज इट? सो दिस स्लिपिंग ऑफ द कार एट दैट मोमेंट इज नोन एज स्किडिंग, इज इट? सो इट विल लूज इट्स डायरेक्शनल कंट्रोल दैट मे रिजल्ट इन एन एक्सीडेंट। जहर है, जब गाड़ी स्किड करेगी, स्लिप करेगी, तो वो किसी दूसरी के साथ जाकर टकरा जाएगी, ठीक है? सो इट इज एडवाइजेबल नॉट टू अप्लाई ब्रेक्स टू हार्ड, स्पेशली एट हाई स्पीड्स, व्हेन अ ड्राइवर इज बेसिकली रनिंग द कार एट हाई स्पीड। सो इट मीन्स इफ यू वॉन्ट टू स्टॉप, सो अप्लाई ब्रेक बट आफ्टर एवरी मोमेंट। आप एकदम से ब्रेक अप्लाई करके फिर आप ब्रेक को फिर उसको छोड़ दें, आप फिर अप्लाई करें, फिर छोड़ दें, फिर अप्लाई करें, फिर छोड़ दें। सो टाइमली आपने बहुत एहतियात से काम करना है। सबसे अच्छी बात तो ये बेटे कि कभी ओवर स्पीडिंग करें ही ना, ताकि किसी की जान को या अपनी जान को खतरे में ना डालें आप, ठीक है? सो इट मीन्स के नाउ एडवाइजेबल इज कि अप्लाई ब्रेक्स अगेन एंड अगेन। सो अप्लाई ब्रेक्स आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स अगेन एंड अगेन। सो सिमिलरली इट इज अनसेफ टू ड्राइव अ व्हीकल विद वॉर्न आउट टायर्स। अगर टायर आपके घिस के हैं, वॉर्न आउट हो गए हैं, तो अगर वो वियर आउट हो गए हैं, तो इसका मतलब हो गया कि अब आपकी गाड़ी प्रॉपर उसको जो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है वो नहीं मिल रही उसे। अब वो टायर आपका जब आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो फ्रिक्शन की वजह से रुकेगा तो सही वो, लेकिन चूंकि फ्रिक्शन की क्वांटिटी बहुत कम है, वो लॉकअप हो जाएगा, एकदम से गाड़ी स्किड करेगी, स्किड करेगी तो आपका एक्सीडेंट होने का खतरा होगा। सो दिस इज बेसिकली ब्रेकिंग एंड स्किडिंग, इज इट क्लियर? यानी जब गाड़ी आपकी कंटिन्यूसली हाई स्पीड से मूव करती हुई आ रही हो और अचानक आप इमरजेंसी में ब्रेक अप्लाई करें, देन बेटे इट मीन्स के यू आर अनएबल टू स्टॉप। आपने टायर को तो लॉक कर दिया ब्रेक अप्लाई करके, उसका मैकेनिज्म इतना अच्छा है कि वो टायर तो रुक गया, मगर गाड़ी ड्यू टू इनर्शिया स्किड कर गई, इज इट क्लियर? सो स्किड करने की वजह से वो स्लिप हुई और स्लिप होने की वजह से वो कोई भी खतरनाक और डेंजरस मूवमेंट हो सकती है, ठीक है? आई होप गर्ल्स नाउ दिस स्मॉल टॉपिक इज वेरी मच क्लियर। मैंने इसको बहुत ईजी वर्डिंग में आपको समझाने की कोशिश की और मैंने आपको स्टार्टिंग में कह दिया कि जस्ट ओनली यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, मेक योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर, दैट्स ऑल, ठीक है? सो प्लीज वॉच नेक्स्ट वीडियो नंबर 33।